इंदौर राष्ट्रीय पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वन जीव तस्करी करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। एसटीएफ पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 अपराधी की 2 मुहाज सांप बरामद किए और पकड़े गए सांपों की कीमत 5 करोड़ से भी अधिक बताई जा रही है। इंदौर राष्ट्रीय अपने 2 मुहे सांप तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 तस्कर किए गए यहाँ पर गिरफ्तार और आपको बता दें कि आरोपियों से 5 दुर्लभ प्रजाति के 2 मुहे सांप भी बरामद किए गए हैं। एसटीएफ इकाई इंदौर की एक उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है, जिसमें वन्य जीव रेस्क्यू का जो हमारे ऑपरेशन चलते हैं स्मगलिंग के विरुद्ध, उसमें सूचना प्राप्त हुई कि कुछ स्मगलर जो हैं सैंड बोआ सांप, 5 सैंड बोआ सांप को लेके और आ रहे हैं इंदौर तरफ। तो गंगोत्री वेयर हाउस के पास आम रोड खुड़ैल से ये 2 मोटरसाइकिलों को पकड़ा गया और इन मोटरसाइकिलों पे दोनों में एक एक बैग जो बोरे में कुल 5 सैंड बोआ सांप पकड़े गए हैं और जिसमें 2 सांप करीब करीब 4 फीट के हैं, बड़े हैं। और इस प्रकार जो 5 सैंड बोआ सांप को पकड़ने में सफलता मिली है, इसमें कुल 4 आरोपी विष्णु, राहुल, हरिओम और दयाराम इनको गिरफ्तार किया गया है और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर इनको इनसे अभी पूछताछ की जा रही है, माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।